मेरे प्यारे दर्शकों, अक्सर आपने ये कहते हुए सुना होगा कि फलाना व्यक्ति के ऊपर या खुद अपने ऊपर किसी भी प्रकार का किसी ने टोना और टोटका कर दिया है या फिर काला जादू कर दिया है। सुना ही होगा। तो ये काला जादू क्या होता है, कैसे होता है, कौन से ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं कि आपके ऊपर कोई अगर व्यक्ति टोना टोटका कर देता है तो वो प्रभावी हो जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं अमित राय, ज्योतिष विद राय साहब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। ये आपका चैनल है, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, अक्सर कोई कहते हुए आपने सुना होगा या खुद आप कहते होंगे कि किसी ने लग रहा है वशीकरण कर दिया है, जादू टोना कर दिया है या फिर टोना टोटका कर दिया है, जिसकी वजह से किसी भी कार्य में वो हाथ डाल रहे हैं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, शरीर स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, नाना प्रकार के रोग हो जा रहे हैं, नाना प्रकार की अचानक से समस्या आ जा रही है। तो देखिए, उसके पीछे कारण ये है कि आप अपने कुंडली को खोलें और देखें लग्न में कौन सा ग्रह है। ठीक है, तो जिन व्यक्ति का लग्न यानी कुंडली का जो प्रथम भाव होता है अगर वो कमजोर होता है तो उस पर वशीकरण काफ़ी हावी होता है। कोई भी व्यक्ति अगर टोना टोटका कर दे तो उस पर काफ़ी हावी होता है। तो अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का बाह्य वातावरण मतलब टोना टोटका का प्रभाव न पड़े तो इसके लिए आप अपने सूर्य को मजबूत करें, क्योंकि सूर्य जो होता है वो आत्मा का कारक होता है, वो शरीर का कारक होता है। और सूर्य जितना मजबूत होगा आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी टोना टोटका का असर नहीं पड़ेगा। तो सूर्य को अगर मजबूत करना है तो आप ये काम करें कि नित सूर्योदय होने से पहले जगे, नहा धोकर सूर्य भगवान को अर्घ दे। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि किसी भी प्रकार का टोना टोटका, जादू और इस तरह की किसी भी प्रकार का जो औकार आपके ऊपर हावी नहीं होगा। तो है न कमाल का सुत, इतने देर तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।